तो मेरे इस YouTube चैनल पे मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूँ नया नोटिफिकेशन, जो हमारा क्या है इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस के बारे में, जो हम काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। जब से हमारा रेलवे का जो वैकेंसी जो है इंजीनियरिंग सर्विस से अलग किया गया, तब से हम जो है इस नोटिस का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमारा गवर्नमेंट इसके बारे में पूरा डिटेल जो है हमको दे। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, कितने नंबर का क्वेश्चन होगा या फिर कितने नंबर ऑफ सीटें थी, टोटल जो है हमारे दिमाग में क्या काफ़ी दिनों से क्वेश्चन ये उठ रहे थे। फाइनली जो है एक हफ्ते पहले ही एक गवर्नमेंट ने अपना प्रेस रिलीज देकर और वहाँ पर ये छोटा सा नोटिफिकेशन जो है आया हुआ है, ये हमारा यूपीएससी के द्वारा, उसमें पूरा डिटेल लगभग ये क्लियर हो गया कि अब कितने सीटें रहेंगी और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा और एग्ज़ाम का डेट क्या रहेगा। तो चलिए उसी के बारे में आज हम बात करते हैं और एक एक चीज़ों को देखते हैं ध्यान से, ठीक है। तो ये पहला है हमारा इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस के नाम से होगा, जो जब से हमारा रेलवे जो है ये अनाउंसमेंट की है तब से इसका नामकरण हो गया, ठीक है। उसके बाद से ये किस नाम से एग्जामिनेशन होगा, तो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस 2023 एग्जामिनेशन के नाम से ही हमारा एग्जामिनेशन ये कंडक्ट कराया जाएगा। और ये कराएगा किसने, ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगा, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये एग्ज़ाम का पैटर्न होगा क्या। तो एग्ज़ाम का पैटर्न हमारा 3 टीयर में हमको इसको डिवाइड किया गया है। पहला हमारा प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन, दूसरा मेंस रिटन एग्जामिनेशन, तीसरा हमारा पर्सनालिटी टेस्ट या फिर हम इसको इंटरव्यू भी बोलते हैं, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है हमारा, जो कैंडिडेट अगर अपियर है सिविल सर्विसेज प्री एग्जामिनेशन में, वही क्या होगा इस मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई करेगा तो ही दे पाएगा, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रिलिमिनरीज इस एग्जामिनेशन के लिए अलग से नहीं कराएगा हमको, जब सिविल सर्विसेज का फॉर्म आएगा तो उसी फॉर्म को हमको इसको फिल करना होगा। उसको फिल करने के बाद से उसमें जो होगा हम मेरिट में आएंगे, तब वहीं से बच्चों को शॉर्टलिस्ट करके फिर IRMS एग्जामिनेशन मेंस में हम इसको अपीयर होंगे, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम प्रीमियम को उसमें हमको क्या करना है, अपीयर होना है, ठीक है। बात करते हैं हम मेंस रिटन एग्जामिनेशन का, तो मेंस रिटन एग्जामिनेशन हमारा क्या 4 पेपर में होंगे, डिवाइड होगा। और टोटल जो 4 पेपर की बात करेंगे तो पेपर 1 हमारा क्या है क्वालिफाई पेपर होगा, और इसमें पेपर A होगा। इन पेपर ए में हमारा क्या आएगा, इंडियन लैंग्वेज जो 8 शेड्यूल के जो लिखा गया उसमें जो भी लैंग्वेज है उसमें से कोई एक लैंग्वेज के बारे में हमको डिटेल में होगा। ये टोटल कितना होगा, 300 मार्क्स का होगा। हमारा पेपर B होगा, पेपर B हमारा क्या होगा इंग्लिश के बारे में होगा, ये भी हमारा कितना 300 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, दोनों पेपर जो है हमारे क्या है क्वालिफाई। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट हमारा जो, जिनसे हमारा क्या है मेरिट डिसाइड होगा PT में जाने के लिए, तो वो हमारा पेपर 1 और पेपर 2 होगा। ये हमारे 250 मार्क्स से होंगे, पेपर 2 भी हमारा क्या है 250 मार्क्स होगा। और पेपर जो हमारे 1 और 2 होंगे वो हमको ऑप्शनल सब्जेक्ट हमको चूज करना होगा, सिविल इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर कॉमर्स या फिर अकाउंटेंट्स के बारे में, ठीक है। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज करेंगे, उन सब्जेक्ट को ही फिर फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है पेपर 1 और पेपर 2 में, और यही दोनों पेपर हमारे क्या है इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं से हमारा क्या अपना हमारा मेरिट बनेगा, ठीक है। अगर यही हम बात कर रहे हैं सीट की, तो सिविल इंजीनियरिंग में जो अवेलेबल जो सीट की बात की गई है वो 30 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 30 और इलेक्ट्रिकल के लिए 60 और कॉमर्स और अकाउंटेंट्स के लिए हमारी ये 30 है। टोटल जो है हमारा 150 सीटों के लिए अभी नोटिफिकेशन जो है आने वाला है, ठीक है। सिलेबस की हम बात करेंगे तो सिलेबस हमारा सेम ही रहेगा, जो हमारा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो लिखा गया है सिलेबस वही सेम ही हमारा यहाँ पर रहेगा, कोई चेंजेस में नहीं रखा गया है, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो हमारा बैचलर डिग्री होना चाहिए किसमें, इंजीनियरिंग हो गया या फिर कॉमर्स हो गया या फिर हमारा चार्टेड अकाउंटेंट में अगर आपका डिग्री है तो आप इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया जो था ये हमारा क्वालिफिकेशन का था, ठीक है। ये सिलेबस हमारा एज पर हमारा सिविल सर्विस हो गया, टोटल सीटें की संख्या हमारा 150 हो गई, ठीक है। और लास्ट में हमारा बचता है पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको हम पर्सनालिटी टेस्ट हमारा क्या 100 नंबर का होगा, ठीक है। तो ये टोटल क्या है हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा और मेंस एग्ज़ाम का पेपर क्या होगा, टोटल सीट्स के बारे में हमने देखा, ठीक है। और उसके बाद से लास्ट हमारा ये नोटिफिकेशन कब आएगा, तो नोटिफिकेशन हमारा क्या है 1/2/2023 को आएगा, मतलब फरवरी 2023 में आने वाला है। और एग्जामिनेशन कब होगा इसका, प्री का एग्जामिनेशन होगा 28/5/2023 को होगा, मतलब अभी भी हम अगर अच्छे से तैयारी करें तो लगभग हमारे पास 5 मंथ का टाइम है।
तो आप जो है जिस टाइम के लिए इंतजार कर रहे थे वो सभी के लिए वो टाइम आ चुका है। अब अपना जी जान लगा के मेहनत करना शुरू कीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो ये कंप्लीट हमारा एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था आप लोगों के लिए, और आप इस एग्ज़ाम के पैटर्न को देखते हुए अपना तैयारी अभी से शुरू करना शुरू कर दें, क्योंकि ये पहली बार ही हमारा क्या है एग्ज़ाम एक कंडक्ट होने जा रहा है, इससे पहले कभी ये हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये कंप्लीट जानकारी था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।